नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अशुद्धता से शुद्धता की ओर। आदरणीय प्यारे श्रद्धेय सभी लोग, मैं इस कार्यक्रम के तहत आपके समक्ष कुछ ऐसी चीजें पेश करता हूं जो हम रोजाना करते हैं लेकिन अशुद्ध रह जाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, अशुद्धता के पीछे क्या कारण है, इसी पर खास के हम चर्चा करते हैं। देखिए, मेरा ये बताने का ध्येय कहीं ये नहीं है कि किसी को मैं जेर दिखाऊं या परंपरा में कुछ मैसेज लगाऊं। इतनी काबिलियत भी नहीं है मुझे। बस यही है, जो कुछ आप लोग से सीखा है वही चीज आपके समक्ष रखता हूं, बस उसके शुद्ध रूपों में कि आप कहाँ क्या करते हैं, बस ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत। और मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब कुछ बंधु इसमें यह बोल रहे हैं कि आप हिंदी के शुद्ध, ये क्या बोल रहे हैं आप, कि आप तो संस्कृति पर, सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर आक्षेप कर रहे हैं, परंपरा में कुछ भी ना बोला जाए, क्या है ये बचकाना, कौन सी बात है। ऐसे लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए चलिए लोग, जिसको मैंने देखा है कृष्णाष्टमी के दिन भी मांस मछली खाते थे। क्या बोलूं, खैर बातें अलग है, कहेगा लिबर्टी है। और वो लोग पता नहीं कहां से लोग बोलते हैं हिंदू धर्म खतरे में है तो इस्लाम खतरे में। मैं पूछता हूं किससे खतरा है, इस्लाम को किससे खतरा है और हिंदू को किससे खतरा है? किसने कहा कि आप अपने धर्म का पालन नहीं कीजिए? किसने रोका? हिंदू धर्म में मान भी सकते हैं, थोड़ा बहुत छूत अछूत शुद्ध अशुद्ध की बातें होती है कि लोग वहां मेरे मंदिर में तुमको नहीं आना है, मेरे पास नहीं आना है, तो मान भी सकते। इस्लाम को किसने रोक दिया या हिंदू को ही किसने रोक दिया कि खतरे में, किससे खतरा है धर्म को? किसने आपको रोका कि धर्म का पालन नहीं कीजिए? किसने कहा छठ के दिन भी मांस बनवा के खाइए? किसने कहा कि आप दुर्गा पूजा में भी मांस मछली खाइए? किसने कहा पशु बलि की? वेद से अलग करते हैं, आप खुद से पढ़िए नहीं हुआ। खैर, मेरा ये विषय नहीं है, बस यूं ही किया कि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करके बोले कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। परंपरा में सुधार नामक कार्यक्रम है, मैं उसमें वही बातें करता हूँ जो शास्त्र में कही गई है, वेद में कहा गया है ना, या बाकी जगह कही गई है, वही बातें मैं आपके समक्ष रखता हूँ। कहीं से भी मेरा ये ध्येय नहीं है कि आपको कहीं से मैं चोट पहुंचाऊं। मैं जुबान शुद्ध करने की बात कर रहा हूं कि हिंदी बोलते हैं हम लोग लेकिन अशुद्ध बोलते हैं ज्यादातर, चूंकि मैं नाटक के जरिए रहा, मैं नाटक का भी आदमी हूं। कहीं भी जैसे हम बीमारी को पहचान जाते हैं तो हम बीमारी का इलाज करते हैं हम डॉक्टर, उसी तरह अगर आप ये पहचान जाएंगे कि हम में गड़बड़ी कहाँ है तो उस गड़बड़ी का तो आप निदान करेंगे ना, कि बीमारी है तो रहने दो, ये कौन सी बात हुई। मानव जीवन है ना, क्या हमारे लोग कुछ भी बोल करके निकलते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आज दो तीन पहलुओं पे कारण बताऊंगा। पहली बात है कि हिंदी हम अशुद्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत से तमाम भाषाओं का जनन हुआ है, संस्कृत ही तमाम भाषाओं की जननी है, तो स्वाभाविक है कि दुनिया के तमाम भाषाएं जितने भी 3796 या 4000 के आसपास भाषाएं हैं या लगभग 400 के आसपास लिपियां हैं। इससे पहले कि मेरी कड़ी देखेंगे तो हमने इसमें विस्तार से चर्चा किया है कि कैसे संस्कृत से हिंदी की तरफ आए या कैसे हम ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि तक पहुंचे हैं, इस लिपि जिसमें लिखते हैं, तो इस पर आए, इस बारे में हमने आपसे चर्चा किया है, आप उसे देखेंगे। कृपया मैं चाहता हूं कि मेरी चीजें आप गौर से देखें, समझे, दो बार देखें, क्योंकि लंबी हो जाती है तो आप जहां से देख रहे हैं समय नहीं है तो वहां रोक दे, फिर दूसरे दिन वहां से देख ले तो आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए, मुकामी जुबान अर्थात स्थानीय भाषा का आपका टोन में आ जाना, चूंकि भाषा की आवाज कैसे निकलती है, निकलती है, इस पर हमने खास एक सीरीज ही बना रखा है, आप उस पर जरूर जाए। आप डॉक्टर राजाबाबू लाइफ स्टूडियो या मेरा डॉक्टर राजाबाबू मीडियाट न्यूज, इस पर खास करके आपको, मेरा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आपको मिल जाएगी जानकारी और इस पर भी आप देख लेंगे, तो इसको चीज मैं साझा कर देता हूं। तो
आवाज कैसे निकलती है आप वहां जाकर के देखें, हमारे शरीर से कैसे आवाज निकलती है, आवाज में एम्पलीट्यूड क्या है, टोन क्या है, रेजोनेंस क्या है, वगैरह वगैरह तमाम चीजों पे हमने चर्चा की है। या आवाज में गड़बड़ी आती है तो क्यों आती है, इस पे अभी हमने चर्चा की है, आप उसको देखें। लेकिन क्या है ना कि हम मुकामी जुबान टोन हमारा जो बनता है, गांव समाज से हम आए हैं तो टोन रहेगा ही। आप जैसे कहीं भी चले जाएंगे, कितना भी शुद्ध बोले ना, कितना भी शुद्ध बोले फिर भी उसमें अशुद्धता आई जाएगी। मैं भी एक दिन में नहीं आया, मैं 14 वर्षों के बाद काफी सघन चीज करके इसके पीछे काफी ललायत था मैं, और ये ललायतता के चलते काफी शोध किया हमने। मैं रंगगुरु में, हमारे रंगगुरु रहे हैं धर्मेश मेहता जी हैं, आदरणीय धर्मेश मेहता जी माध्यम फाउंडेशन के सचिव भी है और मुझे जब से है हमारे मित्रवत संबंध भी है, लेकिन वो मेरे अभिनय गुरु भी हैं। तो चूंकि उन्होंने ही मुझे जो कुछ भी, वो क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया वही चीजें मैं रंगमंच में करता हूं या फिल्मों में परोसता हूं। लेकिन क्या है ना कि मैं आवाज की शुद्धता के लिए आदरणीय अभी किलकारी में है राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हमारे आवाज के गुरु बने। उन्होंने सबसे पहले शुद्ध उच्चारण सिखाया, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बतलाई, लेकिन जिन चीजों के प्रति मैं ललायत था ये चीजें मैं खोज करके वैज्ञानिक पद्धति से आपके समक्ष इसलिए लाया कि वो चीजें आप समझ पाए कि कहां से कैसे आवाज निकालेंगे। इस पर लोग नहीं बताते थे, इसको ऐसे उच्चारण करो, वो लोग बताते थे लेकिन कैसे निकाले, आखिर वो आवाज कैसे, ये जीव और जीव जो स्पर्श व्यंजन है जो हमने चर्चा की है, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श करता है, हमारे जीव कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। हमने इस बात को खोजा और खोज करके आपके समक्ष रखा। देखिये क्या है ना, कोई भी अगर अक्षर को जहां से वो निकलने की जगह है वहां से अगर उस आवाज को निकालेंगे, मात्रा शुद्ध रखेंगे, तो उसमें नजाकत खुद व खुद आ जाती है। क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा चीजें हमारी परिमार्जित किया गया, हमारे अशफाक अहमद अंकल, मैं कहता हूं ये से प्यार से, तो SCERT के उस समय थे, SCERT में हुआ करते थे, और मैं उनके पास जाकर के उर्दू सीखा करता था और वो मुझे सिखाए। कहीं ना कहीं चूंकि भाषा के आवाज के धनी व्यक्ति हैं अशफाक अहमद जी, राजीव रंजन श्रीवास्तव जी व्यक्तित्व तो, और साथ में आवाज की शब्दों की काफी धनी व्यक्ति हैं, धर्मेश जी अभिनय की काफी गूढ़ता से जुड़े हुए हैं, तो ये सारे गुरुओं ने मुझे परिमार्जित किया। जब मैं बिहार उर्दू एकेडमी, चूंकि मेरे बगल में है, मैं यहां से जब उर्दू डिप्लोमा कर रहा था तो वहां भी हमारे उस्ताद जो है उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन इन चीजों के प्रति मैं काफी लालायित था कि मैं कैसे सीखूं। मैं एक दो वाक्य आपको बता दूं, क्योंकि मैं चूंकि इस सीरीज में मैं यही बातें रख रहा हूं आपके समक्ष, मैं अभी जो बताऊंगा ना कि अशुद्धता खास करके संयुक्ताक्षर को कैसे बोलेंगे और कैसे हम अशुद्ध क्यों बोलते हैं, है ना, तो क्या कारण है, तो उसकी तरफ मैं बातें आपके समक्ष रखा है ना। और इसके साथ साथ मैं जो बातें ये रखना चाह रहा हूं कि अनुपयुक्त अक्षरों का प्रयोग कैसे करते हैं, तो उस पर भी हमने चर्चा रखी है। तो क्या है ना, कई जगहों से गया, मैं बता दूं कि मेरी दिल्ली की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो वो जनरली मुझे टोकती थी शुरुआती दिनों में, मेरी भी आवाज ऐसी ही थी, है ना। आज वो कहाँ है पता नहीं, हम लोग कुछ कारण से बिछड़ गए, क्योंकि मैंने बिछड़ा वो भी अचानक कहाँ खो गए पता नहीं चला, लेकिन वो मुझे अक्सर टोकती थी। मुझे एक डायलॉग उसके याद है, पार्टनर कितना अशुद्ध बोलते हो तुम, कितना, देखिए टोन में दर्द, कितना मात्रा ही हो जाता है, मात्रा बोधक है, कितना ना अशुद्ध बोलते हो तुम, वो पढ़ पढ़ टर इस सब पर बोलती थी। यद्यपि वो भी बिहार से ही ताल्लुक रखती थी लेकिन दिल्ली में रच बस गई। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और बता दे दिल्ली से ही थी, वो उर्दू जुबान थी, तो उसकी एक नजाकत थी, उसकी आवाजों में जो खूबसूरती होती थी बोलने का, मैं उसे बहुत कुछ सुनता रहता था। मैं चुपचाप जब भी बातें होती थी तो मैं ज्यादातर चुप रहता था कि वो बोलती थी या गाती थी, एक अलग नजाकत होता था। तो इन चीजों को हमने देखा, सीखने की कोशिश की, और काफी शोध के बाद आपके बीच ये बातें मैंने लाया है कि ये बातें कि आप कैसे शुद्ध बोले। मैंने बार बार कहा कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात है कि मेरे इन शुद्ध बताने से कि आप शुद्ध बोले, इससे हिंदू धर्म कहां से खतरे में आ जाता है, परंपरा पे कहां से मैं सवाल उठाता हूं, ये बातें मुझे समझ में नहीं आता है। जो परंपरा के ठेकेदार है और जो शुद्धता के ठेकेदार है उन लोगों की बहुत ज्यादा ये बातें अक्सर आती है कि आप तो सवाल उठाते रहते हैं धर्म पे, क्योंकि हिंदू धर्म में जिया, हिंदू धर्म को वही के वेद रचना, वही की सारी चीजें पढ़ा, तो स्वाभाविक है मैं जिसको जानूंगा उसमें जो कमी होगी उसी पे बात करूंगा, जिसमें राजा राममोहन साहब ने किया या दयानंद सरस्वती के सारे विद्वत जन इसी पर सवाल उठाए थे, न कि वो किसी इस्लाम या दूसरे जगह पर जाते थे, किंवदंतियां या कुरीतियां जिसमें आती है। धर्म के नाम पर जब शोषण होने लगता है, धर्म के नाम पर जब आप में रूढ़िवादिता बढ़ जाती है,
अंधविश्वास बढ़ जाते हैं, अंधभक्ति बढ़ जाती है, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या करेंगे? हम कहने के सवाल उठाएंगे, शोध तो अपने पर करेंगे ना, और शोध आपके समक्ष रख रहा हूं। मानना न मानना आपका है, आप अशुद्ध बोले क्या फर्क पड़ता है? आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्त्रीलिंग पुलिंग बहुत अच्छा बोलेंगे लेकिन बाकी अशुद्ध बोलेंगे। तो इस कड़ी में मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं अभी, कि संयुक्ताक्षर और अनुपयुक्त शब्दों का उच्चारण कैसे करें, और इसमें मैं सबसे अहम बन रहा हूं कि उच्चारण हम लोग अशुद्ध करते हैं तो क्यों करते हैं। बात ये आती है कि हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो सबसे बड़ी कारण ये है उसमें कि हिंदी में सीधा संबंध उच्चारण से है। जो आप बोलते हैं वही लिखते हैं। देवनागरी लिपि में खास करके जो बोला जाता है वही लिखा है। अगर अशुद्ध बोला किसने तो आप अशुद्ध ही लिखेंगे, उसमें शुद्धता की कोई गुंजाइश हो ही नहीं। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा, उच्चारण मतलब उच्चारण बोलकर अशुद्ध दध, देखिए जोर देना है, कुछ खासियत है, क्या विशेषता है, क्या इस पर हमने पहले भी चर्चा किया, पहले के खंडों को देखिए, छोटे छोटे खंडों में मैं डाल रहा हूं आपके समय, लेकिन आप इस सीरीज को देखिए, अशुद्धता से शुद्धता की ओर हमारा जो कार्यक्रम है, मैं चाहूंगा इसे आप जन जन तक पहुंचाए, खासकर गुरुजन तक जो बच्चों को मैं शिक्षा देते हैं, है ना, उन्हें आप जरूर ये भेजे कि आप कैसे आवाज निकाले, है ना। तो यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध ही होगी। देखिए प्रायः कारण क्या है, हम लोग की ये मातृभाषा है, बोली का कारण है, तो व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी होती है और उच्चारण में अशुद्धियां आ ही जाती है, जिस कारण वर्तनी, वर्तनी कहने का मतलब लिखने की रीति, अक्षरी या हिज्जे जिसे कहते हैं, है ना, तहज्जी जिसे कहते हैं, स्पेलिंग जिसे कहते हैं लिखने में, लेकिन बोलने में उसे उच्चारण कहेंगे, है ना, डिक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये उसमें भी अशुद्धियां आ ही जाती है। इस संबंध में बहुत सारे शोध हुए, मैं बता दूं कि इसमें क्या किसके बदले क्या लगाया जाए, कैसे कैसे हो, लगातार शोध हुआ है। जैसे देखिए एक आता है छ, आप यर लवा और छ बोलते हैं, इसमें बहुत सारे, देखिए इसमें गड़बड़ी ये भी है देवनागरी लिपि में कि बहुत सारे अनुपयुक्त शब्द भी हैं इसमें, लेकिन उसको चूंकि अब छ बोलते हैं ना, छ ये वाली छ नहीं, छ छ ना तवर्ग यानी तालू से बोलने वाले नहीं, यर अलावा में संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, दो अक्षर है, ध्वनि उसमें भले ही ज्यादा हो जाए तो क्ष, देखिए उसमें देखेंगे तो क श ना, क मूर्धा वाले श दोनों जुड़ करके मिले होते हैं। अगर इसमें फोनेटिक्स की बात करेंगे कि कितने अक्षर हैं, कितनी ध्वनियां निकलती है, तो इसमें कुल अढ़ाई ध्वनियां निकलती है, क श अ, है ना, क्योंकि अ कहीं ना कहीं स्वर सबकी पूर्णता देता है। तो देखिए अगर शुरू में ये आ रहा है तो हम छ का ही उच्चारण करते हैं इसमें, जैसे क्षमा, है ना, क्षमा, लेकिन अगर बीच में आएगा तो हम कश, है ना, जैसे कक्षा, इसका उच्चारण करेंगे कक्षा, यद्यपि छ की ध्वनि आ जाती है, कुछ लोग पूरा छ बोल देते हैं लेकिन नहीं आएगा, क्षमा, है ना, क्षमा, क्षमा मूर्धा से लेकर के बोलेंगे, है ना, चूंकि मूर्धन्य श इसमें है, क्षमा, कंठ मूर्धा दोनों को संयुक्त करके बोलेंगे, चूंकि दो अक्षर है, दो इसमें है, संयुक्त अक्षर है, जुड़ा हुआ है, तो मूर्धा क्षमा, क्षमा, तो इस तरीके से क्षमा लोग बोल देते हैं, बीच में आएगा तो इसका उच्चारण उस तरीके से करेंगे। दूसरा आता है त्र, देखिए त्र में क्या है, त र, है ना, र वो र जो दंत मूल से बोलते हैं, ड नहीं, जवान पटकने वाला नहीं है, ड नहीं है, त्रा, मैं बोल कर किस लिए बता रहा हूं, लिख के नहीं बता रहा, लिखे तो बहुत सारे आपके इस पर लेक्चर मिल जाएंगे, मैं बोल के बता रहा हूं कि आप पकड़े, र ये वाला र है ना, त्र त्र, तो त त यानी पूर्ण नहीं है, त र, और इसमें फोनेटिक्स देखेंगे तो तीन फोनेटिक्स आएगा, त र अ, है ना, त र अ, तो त्र त्र, इसे जहां भी बोलते हैं त्र की ही भांति बोलते हैं, त्राट या त्राण, है ना, तो इस तरीके से पात्र, तो इस तरीके से इसमें त्र की ही भांति इसका उच्चारण करते। अब एक वर्ड और आता है ज्ञ, है ना, ज्ञ ज्यादातर शुरुआती दौर में जैसे विज्ञान लिखते हैं, ज्ञान बोलते हैं, तो इसी ज्ञ की भांति शुरुआती दौर में अगर आ रहा है, शुरुआती या जहां भी है लगभग चलन में, चूंकि ये जो बनता है ना दो संयुक्त अक्षर ज अ, ज अ, है ना, ज अ, है ना, अ अ ए, जिसे बोलते हैं ए वाले उच्चारण, या तालु और नाक से लेते हैं ए, च छ ज झ, अंतिम जो है ये पंचमाक्षर इसमें है अज, है ना,
तो या तो इस तरीके से ये ज्ञा होता है, लेकिन ज्ञा नहीं बोलते हैं हम, यही उच्चारण में चलन में आ गया, बहुत सारी चीज चलन पर भी निर्भर किया। अब श्र श्र श्रम है ना, श्रम जैसे बोलते हैं ना श्रम, तो श्र में तलावे श है, तलावे तालू से बोल रहे हैं, पीछे जा रहा है तालु, यानी यहां हमारा जीव सट रहा है, श श और श र अ है ना श्रम, है ना श्रम। तो इस तरीके से इसका फोनेटिक्स जो है श र अ है ना श्रम, तो परिश्रम कहीं भी श्रम तलावे श र परिश्रम, ये संयुक्ताक्षर है। लेकिन कुछ ऐसे भी है आपको बारह खड़ी, बारह खड़ी बोलते हैं स्वर के चीजों में, स्वर में वैसे तेरह है, जिसमें कि आप देखेंगे लिरी री री जिसे ऋषि लिखते हैं ना लिरी, यद्यपि ये अनुपयुक्त है, कहीं भी उपयोग में ज्यादा नहीं आता है, लेकिन बोला जाता है। इसमें भी कुछ लोग आपको बोलेंगे ना कि ये इसमें भी संयुक्ताक्षर, ये संयुक्ताक्षर लरी लिरी लोग बता देंगे, री बता देंगे, री नहीं है, ये स्वर है, मूलतः स्वर में है, इसलिए इसको सीधे सीधे तौर पर बोलते हैं। जैसे ऋषि, ऋषि का अगर संधि विच्छेद करेंगे आप तो री शि, चूंकि री खुद में जो है तलब है, ये है स्वर है, और शि व्यंजन है ना, जिसमें कि हम एक मात्रा लगाए हुए हैं, तो इसके स्वर की सहायता कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात क्या है, लिड री या ऐसे कुछ आते हैं, ये स्वर ही है, चूंकि स्वर में ही माना जाए, और मात्रा लगाने का लघु मात्रा अगर ज्यादातर हम कभी भी दो ही तीन उपयोग करते हैं, जैसे किसी में भी, चूंकि स्वर की सहायता से व्यंजन बोलते हैं ना, किसी व्यंजन में स्वर लगाएंगे वह उसको एक आकार देता है, जैसे अ जीव की बीच से बोले लेकिन आ बोलना है। अब एक जगह मैं एक शिक्षक महोदय से इसे इंटरव्यू ले रहा था मैं मीडिया का, तो हमने पूछा कि आम का उच्चारण कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा अकार म, मैं आश्रय में पढ़ा था, आ खुद ब खुद स्वर है, तो उसे पूर्ण उसी में रखेंगे आ म, तो ही चीज है ना इसमें। तो आप मात्रा को ध्यान रखेंगे, मात्रा बगल में लिखते हैं, तो जैसे मात्रा में ह्रस्व है यानी छोटा सा है, दीर्घ है यानी कि दो मात्रा का है, प्लूत यानी बहुत ज्यादा है यानी कि बहुत ज्यादा लंबा किसका है, तो प्लूत है। मुझे ये समझ में आया कि तीन मात्रा है, इस पर मैं अलग से, चूंकि जब कुछ अक्षर शब्द बोलूंगा मैं तो वहां मैं स्पष्ट करूंगा। तो मात्रा इसी तरीके से एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, आप इसको देख लें, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बोल रहे हैं, बोलने में किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिये वैसे लिखने में गोरख प्रसाद जी ने कहा था कि मात्रा को व्यंजन के बाद ही दाहिने तरफ लिखा जाए, जैसे लिखते हैं ना, मान लीजिए हिंदी लिखना है तो हम मात्रा इसमें क्या करते हैं, ह्रस्व है तो स्वर के पहले लाएंगे ही, है ना, अक्षर के पहले लाएंगे, और ई यानी दीर्घ ई पहले देते हैं एक, और ई यानी बाद में देते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा था कि इसे जैसे एक अक्षर लिख दिया उसके बगल में मात्रा निर्वाद किया जाए, गोरख प्रसाद ने इस बात को रखा था, लेकिन ऐसा चलन में नहीं आया, क्योंकि बराबर संशोधन होता है हिंदी या इसमें। देखिये पंचम अक्षर के बदले पूर्णतः आया लिखने में अनुस्वार ही है, चूंकि नाक से उच्चारण करते हैं तो उसे अनुस्वार ही लिखा जाए, है ना, और ये रियाज में भी आया। इसे श्याम सुंदर दास जी ने, जैसे पंचमाक्षर कहाँ है, पंचाक्षरी का यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, यहाँ लास्ट अंतिम में जो चीजें आती है, अंतिम पंचम अक्षर पांचवा अक्षर जो है, जैसे क का गा गा है ना, च छ ज झ ठा डाण है ना, ता था दा धा ना, तो इस तरीके से आया ना, तो अंतिम में जो पांचवा है जैसे अंगा लोग बोल देता है, अंगा बोल देता है, ये चीजें नहीं है, हाँ अंगा अंगा नहीं बोलना है। तो वहां पंचम अक्षर में उन्होंने कहा कि ये अनुस्वार ही, चूंकि नाक से निकलता है तो इसे अनुस्वार के रूप में श्याम सुंदर दास जी ने लिखने की रीति बताई। बाल गंगाधर तिलक ने, आपको बता दे कि तिलक फॉन्ट की बहुत दिनों तक उपयोग किया, सावरकर बंधुओं ने बारह खड़ी की बातें बताई थी, ये सब संशोधन हुए, लेकिन जो आगत है फारसी शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसे आपको बता दें सितारे हिंद के तहत राजा शिव प्रसाद जी ने कहा था कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह फारसी के शब्द है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी शब्द है जैसे आ का है ना, आ का खा गा ज फ, ये जो है इसके नीचे नुक्ता हम लगा देंगे, अगर हिंदी में लिखते हैं नुक्ता लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये अक्षर कहां से आया है, फारसी से आया, यानी आगत है, ये फारसी के शब्द है, आया है हिंदी में, यद्यपि हिंदी भी तो फारसी से ही आया, लेकिन इसमें हिंदी में जो ये उच्चारण किए जाते तो हिंदी में भी यहां अभी तो अगर जोर देना है तो हमने बताया था आप इसलिए पिछले की कड़ी देखेंगे कि कैसे हम नुक्ता वाली जगह को बोलेंगे, तो नुक्ता में जैसे अ क ख
खागा, ये अब ज्यादातर उपयोग नहीं होता है, लेकिन ज है फ है। ज हमने देखा है, एक ज जो है तालू से बोलते हैं, छ ज है ना ज, लेकिन ये ज बोलेंगे तो दांतमूल दंतमूल से बोलते हैं ज ज, यानी दांत हमारा है ना इस जगह जीभ को सटा देंगे, तो ज नुक्ता वाले ज। और फ में जैसे प फ ब ओट सटाते हैं, इन फ में ओठ नहीं सटने देंगे, फ तो नुक्ता वाले आ जाएंगे। तो ये चीजें, ये कुछ टेक्निक है जिसका हम उपयोग करें, क्योंकि इसको सितारे हिंद कहा गया, नुक्ता जो है ना उसे सितारे हिंद दूसरा नाम है। राजा श्री प्रसाद ने कहा कि इसके नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये है। तो ऐसी कुछ चीजें है कि आनंद अगर हम ध्यान देते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, टेक्निक मैं बता रहा हूं आज, चूंकि आप एक एक वर्णों पर खास करके शुरुआती दौर में बोले, खुल करके बोलेंगे का खा गा गा आ। इसके बाद मान लीजिए कि समय आप बोल रहे हैं विद्यालय, ज्यादातर लोग विद्यालय बोल देंगे, विद्यालय बोल के निकल जाते हैं, है ना। यह वह दोनों जो है अर्ध स्वर है, आधा स्वर है, आधा व्यंजन है, बोलना बहुत, यदि पे टेक्निक समझ जाएंगे कहां से बोलते हैं, आप मेरे पिछले के कड़ी को देखेंगे तो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें हमने उष्मीय या अंतःहस्त अक्षर को बताया है। तो आप देखेंगे यह जो है तालू से बोलते हैं, जीभ को ऊपर ले जाएंगे, कुछ समय लोग य के बाद अगर ई कार उच्चारण तो बिल्कुल ई बोल देंगे उसे, या आई बोल देते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं ध्यान देना है। तो कुछ दिनों में, शुरुआती कुछ दिनों में आप क्या करें इसके लिए कि आप जो भी पढ़ते हैं बोलते हैं, खैर पढ़ के ही बोल के ही पढ़ेंगे तो स्पष्ट पता चलेगा। तो आप एक एक अक्षर को, मान लीजिए एक वाक्य हमने पढ़ा या एक पैराग्राफ एक छंद पढ़ा हमने, तो क्या करना है ना कि उसे आप एक एक अक्षर कहां से निकलता है इस पर कुछ दिन ध्यान देंगे, तो दो चार पेज के बाद ये आदत बन जाएगी कि क कंठ से बोलेंगे, क नहीं बोल करके निकल जाएंगे, क कंठ से बोलेंगे, च य कुछ कुछ ऐसे चीजें जो फंसने वाली चीज है कि ये स्पष्ट हो जाएगा। खास के जो लोग मंत्रोच्चारण करते हैं या मंत्र संस्कृत में पूजा पाठ कराते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं धर्म के नाम पर, बहुत ज्यादा अपना ये भरते हैं, तो उन्हें तो जरूरी है कि आप शुद्ध बोले। अगर शुद्ध नहीं बोलते हैं ना तो आपके जो भी है वह असफल ही माना जाता है, सामने वाले हो सकता है ये हो, तो आप अगर बोल रहे हैं उनके बदले तो करें। और नाटक वाले लोगों पर खास करके हमने अभिनेता के लिए बताया, अभिनेता आप ज्यादातर जाएंगे तो बोलेंगे नाक से निकालो, यहां से आवाज निकालो, कहीं से नहीं, आवाज कैसे निकलती इसके लिए अगली कड़ी देखेंगे वहां, इसके क्रिया विज्ञान की जो है आवाज क्रिया विज्ञान या आवाज विज्ञान ये वॉइस पर मैं लगातार शोध करके डाल रहा हूँ कि वॉइस कैसे निकलता है, क्या क्या बीमारी आती है, कहाँ से क्या है, कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे, कैसे कल्चर मेंटेन करेंगे, तो इन चीजों पर खास करके आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, कोई बड़ी चीजें नहीं। हमें भी हमारे गुरुओं ने ही इस प्रकार कराई, तो शुरू में क्या श श में स्पष्ट कराएंगे, स श और एक ही तरीके से फ फ, एक एक अक्षर आप बताएंगे नहीं, आप टेक्निक बता दीजिए कि देखो ओठ मत सटाओ यहाँ, देखो जीभ को यहाँ ले जाओ, देखो जीभ को यहाँ ले आओ, है ना, क्योंकि जीभ आवाज क्या है, आवाज क्या है, हवा का परिणित, हवा का बदला रूप है, हमारे शरीर से हवा के रूप में जो हवा सांस लेते हैं, सांस को हम बाहर की तरफ फेंकते हैं बोलने में, तो यहाँ से जो वायस परिणित करते हैं उसे, तो कहा नहीं जीव के द्वारा, जीव को कि बहुत अहम रखता है, स्पर्श नहीं करता, उसे जीव से ही बोलते हैं, आ आ कहीं किसी से स्पर्श नहीं, अ आ ई ओ ए ओ औ आ, है ना, तो इस तरीके से लाते हैं, है ना, विसर्ग का करते हैं, तो ये इस तरीके से वो सिर्फ जीव है उसमें, वो किसी से स्पर्श नहीं करता, लेकिन स्पर्श व्यंजन अगर बोल रहे हैं तो चूंकि स्वर की सहायता से बोले तो स्वर कहीं ना कहीं सटेगा, है ना, तो व्यंजन की उत्पत्ति होती है। व्यंजन की उत्पत्ति कब होगी, जब स्वर कहीं ना कहीं सटता है, यानी जीव कहीं ना कहीं सटता है, यानी स्वर कहीं ना कहीं किसी से स्पर्श करता है और व्यंजन की ध्वनि निकालते हैं, है ना, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करके। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें मिल गया। मेरी एक गुजारिश है कि जो चीज में काफी 14 वर्षों का शोध है हमारा, इसके पीछे मैं काफी रहा, तमाम गुरुओं के संसर्ग में गया और वहां से फोनेटिक्स कैसे निकाले इस आवाज पे हमने शोध किया है, और ये चूंकि जानते सब लोग हैं लेकिन बोले कैसे इस पर नहीं था, इस बात को मैं लेकर के आया हूँ, काफी हमने शोध किया है। तो बस गुजारिश है कि आप इन्हें खास करके जो लोग मंत्रोच्चारण करते हैं या जो लोग अभिनय से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि अभिनय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को शुद्ध बोलना बहुत जरूरी है, उनकी आवाज में नजाकत तभी आती है ना जब स्पष्ट लाते हैं, जैसे हमने बोला, मैं बोला ना कि मेरी गर्लफ्रेंड बोला करती थी कितना, है ना, स्पष्ट हो जाता था कितना अशुद्ध, कितना, है ना, कि त ना न आ रहा है तो आ को पूरा बोलती थी, तो इसलिए अस्पष्ट भाव खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं अगर बोलते हैं तो। ऐसे अशुद्ध बोलना कहीं ना कहीं विद्वजनों को लगता है गाली बोलते, ज्यादातर विद्वान स्त्रीलिंग पुलिंग
या अगर बात करें एक वचन बहुवचन द्विवचन इस सब पर तो अस्पष्टता रखते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से, लेकिन इसमें नहीं आता है। हमने जो बातें रखी है ना, पाणिनि के व्याकरण को भी हमने अध्ययन किया, वरदराज के सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, दीक्षित साहब की वृहत सिद्धांत कौमुदी जो रही है, मध्य सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज लिखे उसका भी अध्ययन किया, और तमाम व्याकरण को देखा हमने, तमाम विदेशी चीजों को देखा, कई भाषाओं का हमने देखा कैसे बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें बिल्कुल पसंद आई गई होंगी। हम दो तीन करीबें जो कि 25-30 मिनट की वीडियो हो जाती है, बातचीत करते करते लंबी है, कहना बहुत सारे दिल में है लेकिन लंबा हो तो आप ठीक है, वीडियो को अगर एक बार नहीं देख पाते कोई बात नहीं है, 5 मिनट आज आपने देख लिया फिर वहां छोड़ दीजिए, आप YouTube पर 5 मिनट बाद फिर आप देखिएगा, फिर 5 मिनट बाद छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप एक आकलन बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या है ना, अच्छी चीजों की आदत जल्दी नहीं लगती है, अच्छी चीजें जल्दी समझ में नहीं आते, अच्छे व्यक्ति, अच्छे समय या अच्छे किताबें बार बार, इसलिए कहा जाता है कि जो धर्म ग्रंथ है उसे बार बार पढ़ो, चूंकि अच्छी चीज एक बार में नहीं सो, विज्ञान को कहा जाता है बार बार पढ़ो समझो तो समझ पाएंगे। कहानी नहीं है कि कुछ भी सुन लेंगे, और खराब चीजें अच्छे व्यक्ति को जल्दी नहीं समझेंगे, धीरे धीरे उसके करीब जाएंगे तो समझ पाएंगे। तो थोड़ी सी बातें अच्छी मैं भी कर लिया करता हूं और इसे आप समझेंगे, प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस लाइए, हिंदी बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगा, हमारी मातृभाषा है और बिल्कुल खूबसूरती से आप बोलेंगे। तो फिलहाल दीजिए अपने प्यारे राजाओं को अलविदा, हम फिर मिलेंगे आप सभी करीब, नमस्कार, प्रणाम।